संवैधानिक अधिकार है भारत के एक एक लोगों का, उसके परिपेक्ष में उनको उम्मीदवार बनाकर आज वो राष्ट्रपति होने जा रही है, ये बड़ी बात है। आज एनडीए पूरे देश की आवाज बनी है, देश का एक एक नागरिक आज उनकी उम्मीदवारी से और उनके जीत से उल्लासित है, ये एक बड़ा संदेश पूरे देश को गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूँ आपके साथ शिवम। एनडीए के तरफ से आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था। ऐसे में आपको बता दें कि द्रौपदी मुर्मू ने भारी मतों से जीत हासिल कर ली है और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर। और आप तस्वीर में देख सकते हैं कि बिहार के दोनों डिप्टी सीएम रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद पटना की सड़कों पर ढोल लेके उतर चुके हैं और जश्न जो है वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि विशाल जुलूस जो है वो निकाला गया है। ऐसे में जब हमने बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों से बात करने की कोशिश की तो उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। नहीं, निश्चित रूप से सबसे जो अच्छी बात है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के सभी नेताओं ने जिस प्रकार से द्रौपदी मुर्मू जी को एनडीए का उम्मीदवार बनाया और यह एनडीए की उम्मीदवार पूरे देश की उम्मीदवार हो गई, एक एक जो भारत के नागरिक हैं उनकी उम्मीदवार हो गई, सबसे बड़ी बात यह हुई है। यह सिर्फ हमारे जो मतदाता हैं उनकी उम्मीदवार नहीं थी, देश के तमाम लोगों को लगा कि ये मेरे घर की उम्मीदवार हैं। यह एक बड़ा संदेश पूरे देश में गया है और ऐसा समाज जो कभी हाशिए पर राजनीतिक क्षेत्र में हुआ करता था और उन्हें राष्ट्रपति पद पर लाकर उनके नेतृत्व में देश निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा और जो समाज का जो कमज़ोर तबका है उनके भी आत्मविश्वास को हमारी एनडीए गठबंधन ने, हमारे प्रधानमंत्री ने करने का काम किया है। आज एनडीए पूरे देश की आवाज़ बनी है, देश का एक एक नागरिक आज उनकी उम्मीदवारी से और उनके जीत से उल्लासित है, ये एक बड़ा संदेश पूरे देश को गया है। क्या ये जीत एक तरह से कहा जाए कि सारे विघ्न को पार करते हुए ये जीत मिली है, चूँकि जिस तरह से विपक्ष ने उम्मीदवार चार चार बदले? देखिए, जब पूरा देश खड़ा हो जाता है, जब भारत का एक एक नागरिक को महसूस होने लगा कि इससे अच्छी उम्मीदवार नहीं हो सकती है और पूरे देश के लोगों ने कहीं न कहीं उल्लास प्रकट किया अलग अलग पूरे भारत के अलग अलग प्रांतों में, तो वो सिर्फ हमारी एनडीए की भी उम्मीदवार नहीं रह गई थी, वो पूरे देश की उम्मीदवार बनी थी। क्योंकि देश ने ये महसूस किया कि हमारी द्रौपदी मुर्मू जी जो कभी ऐसे जनजातीय समाज से हैं जो कभी राजनीतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में हाशिए पर हुआ करता था, उनके बीच से आकर वो पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करेगी, ये नरेंद्र मोदी जी, एनडीए के सभी नेताओं ने और सभी मतदाताओं ने ये करके दिखाया है। जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बहुत सारे अनर्गल बयानबाजी, नहीं देखिए उस तरह की बयानबाजी वैसे लोग करते हैं जो सतही तरीके से इन सारे चीज़ों को देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो संवैधानिक अधिकार है भारत के एक एक लोगों का, उसके परिपेक्ष में उनको उम्मीदवार बनाकर आज वो राष्ट्रपति होने जा रही है, ये बड़ी बात है। और छोटे मोटे जो इस तरह के नेता जो बयान देते रहते हैं उसको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह के बयान से देश नहीं चलता है, देश अच्छे सोच से अच्छे निर्णय से चलता है। और भारत के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के नारे के साथ देश को आगे बढ़ाने का काम किया, तो कहीं ना कहीं पीछे उनके सोच की ये व्यापकता है जो आज द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति बनने जा रही है। सर, मैसेज गया है। देखिए, कहाँ पूरा देश का एक एक नागरिक जब इस परिणाम से खुश है, हर नागरिक भले वो मतदाता हो या नहीं हो इस चुनाव में, वो उसे अपना उम्मीदवार मान रहा है, तो फिर इस तरह के नेताओं के बयान से देश के हित में बड़े फैसले नहीं लिए जाते हैं। देश के संबंध में बड़े फैसले बड़े लोग बड़े स्तर पर लेते हैं।
निश्चित रूप से ये हमारा सौभाग्य है कि जिसने संविधान बनाया था, लेकिन संविधान का काम करने वाला अगर कोई पालक है तो माननीय नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने संविधान को स्वीकार करते हुए आज पीछे के बैठे हुए लोगों को ऊपर चलिए। क्या लगता है जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू को टारगेट किया गया था, उनकी हमले किए जाते थे? कोई हमला नहीं है, हमला का गमला हम लोग निकाल दिए। उनको कहा गया मूर्ति, कोई क्या है, हमारे यहाँ भारत माता तो हम भारत माता ही कहते हैं, भी हमारी भारत माता है। तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद हो या फिर रेणु देवी, दोनों लोगों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी है और साफ तौर पे कहा है कि जो फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया था वो एकदम सटीक फैसला था। और आपको बता दें कि देश की पहली आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जीत का माहौल है, हर्ष का माहौल है और सभी लोग जो हैं वो पटना की सड़कों पे उतर चुके हैं और जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। बहरहाल बने रहे हमारे साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।